गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने के लिए, जो कि नवरात्र रहता है तो 9 दिनों का रहता है माता जी का, तो वहां पे जाएंगे और आप लोग सुन रहे होंगे आवाज़। तो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग को वहां का वीडियो दिखाएंगे, खूब मजा आएगा और पूजा भी करेंगे हम लोग। तो गाइस बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और जिन बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो बंदे सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना मत भूलें। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब हम जा रहे थे मरही माता का दर्शन करने के लिए, उससे पहले मुझे मिले सब्सक्राइबर जो कि हाय बोल दिए भाई। गाइस यहां से आरती शुरू होने वाली है, इससे पहले लगवा रहे हैं भगत जी हमारे पचपड़वा के खास जयकार लगवा रहे हैं माता जी का। अब लोग सुनिए, नमः पार्वती जय, नमः पार्वती जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो शंभो। तो गाइस यहां से शुरू होता है माता जी की आरती। तो गेम बजाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ से सब लोग मेरे दोस्त लोग हैं जो मजे ले रहे हैं, यहाँ से उन लोग का स्टार्ट हो रहा है कि मेरा वीडियो बनना है, बट मेरा मजा ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। तो गाइस स्टार्ट होता है यहाँ से। तो गाइस यहाँ पे आरती संपन्न हो गई है, और उसके बाद हम लेने जा रहे थे आरती, उसके बाद मेरा सिक्का गिर गया। कैसे करके तो मैंने सिक्के उठा लिया और आरती कर लिया, और अब जा रहा था मैं माता रानी का दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और आप लोग को उनका दिखा रहा हूँ दर्शन माता जी का। तो गाइस माता रानी, अरे माता रानी कितनी ज़्यादा भीड़ तेरे दरबार में है, इतनी महिमा परम्पार है, भक्तों की भीड़ अपार है। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करके उधर ही निकल जाइए आप लोग पूर्व दिशा में। कल अष्टमी की महाआरती होगी, आप सभी माताएं बहने भैया बंधु कल में कल के महाआरती में सपा परिवार। तो गाइस दर्शन तो हो चुका है, अब हम लोग प्रसाद लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं, जो कि हमको अंकल जी प्रसाद दे रहे हैं, और हम लेके बस अब हम लोग जा रहे हैं डैड कोटाई माता मंदिर के पास। आरती होगी उसके बाद फिर चालू होगा। जय 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 बंधु माता बहनों, हम सभी
बाहर ही निकल रहे थे तो मेरा भाई मिल गया, मेरा दोस्त है, प्रसाद बांट रहा है। कितने अच्छे काम कर रहे हैं इन लोग को भगवान, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को उन्नति दें। तो गाइस हम लोग कोटई माता मंदिर के लिए निकल रहे थे, रास्ते में जय दादा का मंदिर भी पड़ा, वहाँ पे भी हम लोग दर्शन कर लिए। तो गाइस यहाँ का तो दर्शन हो चुका, अब हम लोग निकलने वाले हैं कोटई माता मंदिर का दर्शन करने के लिए। वहाँ पे भव्य मूर्ति है, वहाँ पे चल रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम जानते ही हो, इसीलिए हम जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना है। आप बहुत अशांत लग रहे हैं लंकेश, कहिए आपकी चिंता का कारण क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा। एक मानव ने हमारी छावनी को विजयित कर रहा है, उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया, उसकी नाक काट कर। तो गाइस दर्शन करने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा चीज दिखा, तो हम लोग सोचे लाओ इसका भी ब्लॉग बना लेते हैं, इसका भी वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पहले के लोग बहुत देखते थे। यहाँ पे रामायण दिखाई जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग थोड़ा सा आगे और जाते हैं कि देखते हैं कहाँ कहाँ मूर्ति रखा हुआ है, वहाँ का आप लोग को दर्शन कराते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, यहाँ पे भी एक मंदिर है, आप लोग हर जगह जाते हैं बट यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे प्रसाद वसाद सब कुछ बना के रखा हुआ रहता है बट आप लोग नहीं जाते हैं तो वो चीज़ फेंक जाता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे आए तो ज़रूर यहाँ पे आएँ, क्योंकि यहाँ का स्थान आप मत छोड़िए। यहाँ पे भी माता जी का मूर्ति रखा जाता है बट छोटा छोटा रखा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे कोई बैठा रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग को मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ पे आएँ तो ज़रूर दर्शन कीजिए माता जी का, यहाँ पे कभी मत भूलिएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनका भी मनोबल बना रहे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नई बाजार, क्योंकि आप लोग को दिखाएंगे यहाँ का मूर्ति दिखाएंगे आप लोग को रिवील। तो गाइस आप लोग रुक क्यों रहे हो, आप लोग साथ में चलो और आप लोग को वीडियो में बने रहना, इसीलिए आप लोग को मंदिर का वीडियो दिखाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस यहाँ पे बगल में भी माता जी का स्थापना किया गया है, आप लोग यहाँ पे आए तो जरूर जाएं। तो गाइस हम लोग मस्ती करते करते पहुँच चुके हैं नई बाजार में, आप लोग को वहाँ का सीन दिखाएंगे और भगवान जी का आप लोग को दर्शन कराएंगे माता जी का, और थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग को दिखा रहे हैं। तो गाइस यही वो स्थान है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दुर्गा मंदिर और आप लोग को दर्शन कराते हैं माता जी का, दुर्गा मंदिर माता जी का। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा भव्य मूर्ति है, इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं आप लोग को। भाई साहब मैं बता रहा हूँ दिल खुश हो गया मेरा।
गाइस यहाँ पे तो हम लोग का दर्शन कंप्लीट हो चुका है और आगे आप लोग को जो बोले थे उस मंदिर पे आप लोग को ले चल रहे हैं। चलो साथ में गाइस यहाँ का भी दर्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं फिर से कोटई माता मंदिर का दर्शन करने की, क्योंकि वो बाकी था हम लोग नहीं किए। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, श्रद्धालु की कमी नहीं है यहाँ पे माता जी का दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं आप लोग कितने लोग जा रहे हैं। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे माननीय अक्षय कुमार की बेटी है। बड़ा हरामी हो बेटा, बच्चा धरना हूँ। आप लोग को सोची कि थोड़ा सा यहाँ का भी मूर्ति आप लोग को दिखा दें, जो कि कोटई माता मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे हम लोग मैच खेलते थे और आप लोग को दिखाएंगे। ये देख लीजिए खूबसूरती, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कितना गजब का। नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी। दोस्त यहाँ पे शनि भगवान का पूजा कर रहा है क्योंकि इनका आशीर्वाद हम लोग को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्भ दशा इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम अगर इनका आशीर्वाद ना ले तो जान लीजिए मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं है। दूरी के सुख कहनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो बंदे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज यहां से मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।